हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। सुबह और शाम का जो हल्की फुल्की भूख लगती है उसमें टेस्टी सा और कुछ हल्का फुल्का खाने का मन होता है, तो उसी भूख को शांत करने के लिए मैं एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूं, बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूं, पोहा की नमकीन बन लेके आई हूं। ये बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता होता है और टेस्टी भी लगता है, बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। सुबह हो या शाम हो, आप इसे खाने का मज़ा ले सकते हैं और इसे महीने भर तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। जब खाने का मन हो आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है पोहा, इसे मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें डस्ट होती है ना, तो उसको अच्छे से हमने छान के साफ़ कर लिया है। अब हमने गरम कर ली है कढ़ाई, तो इसमें अब हम ये देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। एक चम्मच लिया है मैंने खड़ा धनिया, एक चम्मच जीरा और एक चम्मच ही ले लेंगे हम इसमें सौंफ, खड़ी सौंफ है। और अब ये कुछ मसाले पाउडर वाले हैं वो ले लेंगे। एक चम्मच ले लिया है मैंने चिली फ्लेक्स और एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लिया है हमने हल्दी का पाउडर और दो चम्मच लिया है हमने अमचूर का पाउडर और एक चम्मच काला नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और ये हम ले लेंगे दो चुटकी, इसे आधा चम्मच करीब है ये हींग नमकीन में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई गरम रखेंगे ऑयल गरम होने के लिए। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। सरसों का तेल अगर आप लेते हैं तो उसे खूब अच्छे से जला लीजिए, जब उसमें धुआं निकलने लगे और उसको हल्का सा जब ठंडा हो जाए तब उसका इस्तेमाल कीजिए, वरना उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ख़राब लगती है और सारा टेस्ट ख़राब कर देगी। ये मैंने 250 ग्राम मूँगफली ली हैं, तो इन्हें हम लो फ्लेम पे भुनेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने मूंगफली सबसे पहले भुनी है, क्योंकि ये लो फ्लेम पे ही हमें भुनना है। आप इसे ड्राई रोट्स भी कर सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और इसे हम टिश्यू पेपर पर निकालेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो सारा निकल जाएगा। मैं सारे ही जो भी हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, कुछ भी है, तो उसे हम सिल्वर उस पर निकालेंगे। और ये हमने ले लिया है नारियल, इसको हम हल्का हल्का भूनेंगे। इसमें ऑयल होता है तो ये बहुत जल्दी से पक जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो इसे हम ले लेंगे। तेल मेरा अच्छे से अब ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा उठा के देखिए हल्का फुल्का करेंगे और फिर उठाएंगे। इस तरीके से हमें काजू को भी फ्राई कर लेना है, क्योंकि काजू भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो बहुत तेज़ आंच पे इसे हमें नहीं पकाना है। उसके बाद अब हम ये देखिए इस तरीके से हम इसे पका लेंगे, लाइट ब्राउन होने तक ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है। ये नमकीन बहुत ही अच्छी लगती है, कभी भी किसी भी टाइम पे हम बना सकते हैं, और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी है बनती है और कम लागत में बन जाती है। ये हमने मखाने ले लिए हैं थोड़े से। आप अगर बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाना चाहते हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने ले लिए। ये देखिए मखाने पक चुके हैं, बस इन्हें ऐसे भूनना है कि क्रिस्पी हो जाएं खाली, इस तरीके से सिर्फ ये क्रिस्पी होने तक ही हमें इन्हें पकाना है। अब हम इसमें भूनेंगे ये जो किशमिश होती है, किशमिश आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, किशमिश का टेस्ट इस नमकीन में बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए अच्छे से ये भून लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच इसके लिए भी नहीं करना है, वरना ये जल जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी। देखिए ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे किशमिश को निकाल लेंगे। आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे बना सकते हैं, या सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके भी इसे बना सकते हैं। हम एक हर एक जो भी हम भून रहे हैं उसे
टिश्यू पेपर भी ही निकालेंगे, जिससे कि ये इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकलता जाए। अब हम हरी मिर्च ले लेंगे, मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं और इसे हमें किसी तरीके से पकाना है। अगर हम ऐसे इसमें रख देंगे तो ये फट जाती है, जैसे तड़कती है तो ये जलने का डर रहता है। तो इसे इसी तरीके से आप इसे पकाइए, हल्का सा डिप कीजिए फिर निकालिए, डिप कीजिए फिर निकालिए, इस तरीके से करिए तो बहुत अच्छे से हो जाती है। देखिए हो गई है, अच्छे से पक चुकी है। इसे भी हम उसी सिल्वर फॉइल पर ही टिश्यू पेपर ही निकालेंगे। अब हम ले लेंगे करी पत्ता, 15 से 20 करी पत्ता है मेरे पास, और इसको भी हम इस ऐसे ही इसे डिप करेंगे, निकालेंगे, ऐसे ही हमें इसे पका लेना है, क्योंकि ये भी जो भी हरी चीज़ है वो फटने का डर रहता है। इस तरीके से देखिए ड्राई रोट्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी हम उसी पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम ले लेंगे ये जो ये मकाई के होते हैं, ये पापड़ी होती है जो कॉर्न की, कॉर्न पापड़ी होती है वो है, और ये बहुत थोड़े से ही बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं, बहुत इजीली ये मिल जाते हैं, ठेलों पे लगे होते हैं या किसी भी बेकरी की शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं, तो अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से। ये देखिए ऐसे इसको ये इन्हें भूनना होता है, इसको पापड़ी बोलते हैं। ये मैंने ये ले लिया है मैंने पोहा, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, मैंने मुरमुरा भी लिया है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, दोनों चीज़ें ऐड करेंगे और इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसे भूनेंगे, एक साथ हम नहीं भूनेंगे। और जब हम तेज आंच पे इसे हम बनाएंगे, जिससे कि ये ज़्यादा ऑयल ना अब्सॉर्ब कर पाए। और ये हमने एक कटोरी मुरमुरा ले लिया है, इसे भी हम इसे ऐसे ही भून लेंगे और टिश्यू पेपर ही निकालेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकलता जाए और क्रिस्पी भी ये होते चलेंगे, हल्का हल्का ठंडा भी होता चलेगा। हम उसे इस तरीके से फैला देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, भूनेंगे जो तिल, सफ़ेद तिल होते हैं, इससे क्रिस्पी आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये, तो मैं इसे भी भून लूँगी और उसके बाद हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से ये देखिए ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, जो भी हमने मुरमुरा और पोहा ये सब भून के रखा है, इसे कहीं कहीं चिवड़ा भी बोला जाता है, हमारे लखनऊ में इसे चिवड़ा ही बोला जाता है। और इसको हम देखें अच्छे से, ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स ये सारे भून के रखे थे वो सब भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमने मसाले रोस्ट करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा टेस्टी नमकीन बनती है और सबसे ज़्यादा रहता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। ऑयल तो इसमें है लेकिन हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, मार्केट से जब लेके आते हैं तो उसमें केमिकल मिक्स होता है। ये हमें मन में संतोष रहता है कि हमने घर पे बनाया है तो इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, इसे हम 1 महीने तक 1.5 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी मन हो कुछ चटपटा खाने का तो हम इसे लेके, इसे हम खा के मज़ा ले सकते हैं। उसका एकदम चटपटा सा और क्रिस्पी सा ये नाश्ता बनके तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं इस तरीके की आसान सी रेसिपी लाती रहती हूँ। ये मैंने लिया है, ये मैंने मार्केट से लेके आए हैं, ये बेकरी की शॉप पे आसानी से मिल जाता है। ये भुना हुआ चना है एक, ये मैंने 50 ग्राम लिया है, 50 ग्राम मैंने हरी मटर ली है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है बेकरी की शॉप पे, और मैंने
मक्के का जो कॉर्न की वो होते हैं सेव, वो मैंने लिया है, मकाई के सेव जिन्हें बोलते हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कुछ भी ये मार्केट से लाना तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ पोहा और मुरमुरे से भी बना सकते हैं, या सिर्फ मुरमुरे से भी बना सकते हैं, सिर्फ पोहे से भी बना सकते हैं। आप अगर जैसे सब चीज़ इसमें मिक्स कर देते हैं तो ये मार्केट का लुक आ जाता है। अब मैं आपको एक कट बाउल में डाल के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बने हैं ये। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको समझ में आई हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आसान से आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिससे आप बहुत आसानी से बना पाएँ। ये देखिए, बस थोड़े से लागत में ही ढेर सारा नमकीन बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, स्टोर कर देंगे, और जब चाहेंगे तब इसे हम ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स जो हल्का फुल्का खाने का मन होता है तो हम उसमें ये लेते हैं तो मज़ा आ जाता है, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।